Hello students, welcome to ODLS classes. This is Anand and today we are discussing about water. So as you know that water a biotic component hai and hamare life ka bahut important part hai. Without water life cannot be possible. Aur is topic mein hum water ko cover karne wale hain. So jaisa ki aap jante hain 22nd March, okay? 22nd March is celebrated as World Water Day. इस दिन हम World Water Day को celebrate करते हैं और United Nations की एक report है. According to this report, एक इंसान एक दिन में लगभग 50 लीटर water को use कर सकता है. Okay? और अगर हम बात करें year 2003, तो this year as the international year of fresh water to make people aware of this dwindling natural resources. So is year ko hum international year of fresh water ke roop mein manate hain and is year se shuruaat hui thi awareness ki regarding fresh water. Jaisa ki aap jante hain all over earth mein bahut water paya jata hai but jo hamare liye useful hai wo only fresh water hai. Okay, to हमें अपना फ्रेश वाटर को बड़े सावधानी से यूज़ करना चाहिए. ओके, जैसा कि आप जानते हैं 22nd मार्च वर्ल्ड वाटर डे है और जो फ्रेश वाटर है ऑल ओवर अर्थ में बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, तो हमें जो वेस्टेज ऑफ वाटर है उसे रोकना चाहिए. ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स की. अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर. ओके, ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन सीज, ओशियंस. और जो भी वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है वो सीज में पाया जाता है, ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में, है ना, आइस कैप्स, और एज अ ग्राउंड वाटर भी हमारे अर्थ पर जो टोटल वाटर है वो पाया जाता है. ओके, अब बात करें कि इतना सारा वाटर है, क्या ये सारा का सारा वाटर हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है? नहीं, हमारे लिए बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही वाटर अवेलेबल है. हम इस पूरे वाटर का ओनली 0.06% ही यूज़ कर सकते हैं और यही वाटर फ्रेश वाटर है जो हमारे पीने लायक है, हमारे लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए फिट है. ओके, तो जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है. सॉलिड स्टेट जैसे स्नो एंड आइस के फॉर्म में, लिक्विड स्टेट जैसे ओशियंस में पाया जाता है, लेक्स वगैरह रिवर्स में. ये जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है एंड जो वाटर वेपर होती है वो गैसियस फॉर्म में एनवायरनमेंट में पाई जाती है. ओके, अब बात करते हैं कि जो ट्रांसमिशन है फॉर्म्स का, कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो स्टेट चेंज होती है वाटर की, उस कंटिन्यूएशन से, उस साइकिलिंग से जो हमारे अर्थ पर जो वाटर है वो कांस्टेंट प्रेजेंट होता है. ओके, मींस जैसे एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन के बाद बादल बनते हैं, बादल के बाद बारिश होती है और वापस से ज़मीन पे वाटर आ जाता है. तो एक साइकिल के थ्रू जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सन रेज के थ्रू यहाँ पर जो गर्मी होती है उससे एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन के बाद बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, और ये इस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है एनवायरनमेंट में वो बना रहता है. ओके, कांस्टेंट रहता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये फॉर्म्स ऑफ वाटर है, जैसे ये जो सीज हैं इनकी सरफेस से वाटर एवोपरेट हो रहा है, एवोपरेट होके कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू बादल बन रहे हैं, और जब प्रेसिपिटेशन के थ्रू बारिश हो रही है और बारिश होके वापस से सीज में, है ना, ओशियंस में पानी जा रहा है और ग्राउंड वाटर भी बन रहा है. ओके, तो ये वाटर साइकिल है. चलिए अब बात करते हैं कि ऑल ओवर अर्थ में बहुत सारा वाटर पाया जाता है बट हमारे यूज़ के लिए और हम कौन सा वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके बारे में. सो ग्राउंड वाटर, ज़मीन से निकाला हुआ पानी हम अपने डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं. ओके, द अपर लेवल ऑफ वाटर इन द सॉइल इज कॉल्ड वाटर टेबल. तो जो भी लेवल होता है वाटर का हमारे सॉइल में, मींस हमारे जो सॉइल की डेप्थ है, जिस लेवल पे वाटर पाया जाता है उस लेवल को हम बोलते हैं वाटर टेबल. ओके, और वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट टेरेस्ट्रियल
स्ट्रक्चर की वजह से जो वाटर टेबल है वो अलग अलग प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है. वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर. जो भी वाटर वाटर टेबल के नीचे पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर. ओके, व्हेन रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप्स थ्रू सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक्स डीप्स बिलो द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. इनफिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी रेन वाटर है, सी वाटर है, रिवर वाटर है, वो ज़मीन पे आके ज़मीन उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके वो ज़मीन के अंदर स्टोर हो जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन. ओके, चलिए अब बात करते हैं. देयर आर सम प्लेसेस वेयर ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल. इट इज़ नोन एज एक्यूफर. ओके, सो एक्यूफर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा ग्राउंड है उस ग्राउंड में बहुत सारी रॉक्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो जो भी वाटर बिटवीन द रॉक्स ग्राउंड में स्टोर्ड है, ओके, उस वाटर टेबल को हम बोलते हैं एक्यूफर. क्या बोलते हैं, एक्यूफर. द वाटर कैन बी पम्प्ड आउट यूजिंग हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स. तो जैसा कि आप जानते हैं जो भी ग्राउंड वाटर है हम ट्यूबवेल्स लगा के, पम्प्स लगा के उसको बाहर निकाल के अपने उपयोग में लेते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको वाटर समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.